टेक्निकल यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज और दोस्तों आज हम दो स्मार्टफोन्स की कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि अल्ट्रा बजट में आते हैं। एक है रेडमी गो और दूसरा है जियो फोन 3। पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स के हम कुछ स्पेसिफिकेशन देखेंगे, फिर बाद में इन कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद में अपना ओपिनियंस बताऊँगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बेटर होगा। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहला शुरुआत करते हैं जियो फोन 3 से। तो आपको पता है कि जियो फोन 2, जियो फोन 1, ऐसे बहुत सारे जियो ने फोन लॉन्च करके रखे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जियो जो है वो अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं और काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में वो फोन अपना लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्पेसिफिकेशंस, सबसे पहला देखते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है जियो फोन 3 में। आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले है HD का डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि 5.5 इंच का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। HD का यहाँ पर HD प्लस नहीं, यानी कि 18:9 का डिस्प्ले नहीं होगा, नॉर्मल जो है 16:9 का आपको डिस्प्ले आपको मिलेगा। एंड्रॉयड ओरियो 8.1 के साथ ही आएगा और जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का होने वाला है। यहाँ पर आपको 2GB की रैम मिलेगी और 64GB की स्टोरेज आपको मिल रही है, 64GB की स्टोरेज। आप सोचिए कि ऐसा कौन सा स्मार्टफोन है जो आपको इतने कम प्राइस में 64GB स्टोरेज आपको यहाँ पर दे रही है। उसके बाद यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको रियर कैमरा मिलेगा और जो बैटरी का कैपेसिटर है ये आपको कम से कम 2800 की आपको यहाँ पर बैटरी मिलने वाली है। तो दोस्तों देखने में तो काफ़ी दोस्तों ये बढ़िया लग रहा है और सेंसर भी आपको काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, खाली फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्राइसिंग की, तो 4500 में आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं रेडमी गो की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो रेडमी गो में यहाँ पर 5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, वही सेम डिस्प्ले सेम है, ओरियो 8.1 के साथ आपको आएगा, कुछ फर्क नहीं डिस्प्ले में। यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर भी सेम है, 425 का प्रोसेसर है, 1.4 GHz पे ये क्वाडकोर का प्रोसेसर है और 308 का GPU है, इसका मतलब 425 का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का। और यहाँ पर जो बैटरी कैपेसिटी है वो आपको 3000 mAh की यहाँ पर आपको मिलती है। रियर कैमरा में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। फ्रंट यहाँ पर दोनों में मेंशन नहीं किया गया है, पता नहीं कि फ्रंट आएगा भी या नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रैम की, तो 1GB की रैम और 8GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि आपको जो जियो फोन 3 है इसमें आपको 2GB की रैम मिलती है और आप स्टोरेज तो आपको पता ही होगा 64GB की स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल रही है। और उस हिसाब से अगर हम देखोगे तो यहाँ पर प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाला है। जियो फोन 3 का जो प्राइसिंग है 4500 है और जो रेडमी गो का जो प्राइसिंग है ये आपको पड़ जाएगा अप्रॉक्स आपको 5500 में। तो मेरे हिसाब से मुझे जो वैल्यू फॉर मनी जो मुझे लग रहा है वो जियो फोन 3 लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रिलायंस ने एक काफ़ी अच्छा काम किया है जियो फोन 3 को लॉन्च करके और काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में इसे लॉन्च किया है। 2GB की रैम और आप सोचो कि 64GB की स्टोरेज, 64GB की स्टोरेज बैटरी में, मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्तों मुझे जो लगता है जियो फोन 3 मुझे थोड़ा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। आपको कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है इस वक्त आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये दोनों की प्राइसिंग अगर यही होती है तो जियो फोन 3 एक बेटर ऑप्शन होने वाला है। रेडमी गो जो है मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्योंकि 5500 में 425 का प्रोसेसर मुझे नहीं लगता कि ये प्रीफर करना चाहिए आपको। और ऐसे सिचुएशन में तो आपको तो बहुत अच्छे से स्मार्टफोन आपको मिल रहे हैं, तो रेडमी को आई थिंक मुझे नहीं लगता कि चल पाएगा। लेकिन जियो फोन 3 मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा चलने वाला है और एंड्रॉयड में इन्होंने कदम भी काफ़ी अच्छे रखे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको स्पेसिफिकेशन कैसा लगा और कंपैरिजन में आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन बेटर है, टॉप में आप कौन सा स्मार्टफोन आपको सही लग रहा है इनमें से, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी साथ में प्रेस करना। दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कई तरह के लिंक मिल जाएंगे, उसमें भी अगर आपको कोई पार्टिसिपेट करना पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता है पकड़ में, तब तक के लिए बाय।